दोस्तों श्रीलंका और साउथ अफ्रीका हो सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर। तो आइए देखते हैं कि कैसे हो सकता है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल। दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दूं कि इस साल के अंत में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तारीखों का खुलासा किया गया है। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का फाइनल इस साल द ओवल लंदन में 7 से 11 जून तक खेला जाएगा और एक रिजर्व डे 12 जून को रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो सकती है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम। बता दें ऑफिशियल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 75.55% से फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। अब बात करें तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में श्रीलंका की, तो श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में ही खेला जाने वाला है और अगर श्रीलंका एक मैच भी जीतती है तो 52.77% ही बना पाएगी और बाहर हो जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में हराना श्रीलंका के बस की बात नहीं है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की बात करें तो वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैच हैं और अगर मान लिया जाए कि वह दोनों मैच जीत भी जाएं तो भी उनके जो परसेंटेज पॉइंट होंगे वो 52.38 ही होंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कंफर्म बाहर हो ही जाएंगी। अब बात करें कि क्यों भारत ही WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, तो इस सिनेरियो में अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के फेवर में 1-0 भी होता है तो इंडिया के 56.94% ऑफ द पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से भी हरा देता है तो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी के सिनेरियो में अगर 2-0 4-0 जीतता है तब तो कोई नहीं है रोकने वाला। तो अब WTC फाइनल का मुकाबला भारत के हाथ में ही है कि वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या धमाल मचाने वाले हैं। अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो BCCI मई के आखिरी हफ्ते में IPL को खत्म कर देगी और भारतीय टीम के लिए शेड्यूल टाइट हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद IPL होगा और IPL के बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला।